हाय, मैं आपको वीडियो एडिटिंग के सिंपल टिप्स बताता हूँ। अभी मैं एडोब प्रीमियर प्रो खोलूँगा, 2023 वर्जन है, कंटिन्यू विद नॉन एरर। प्रीमियर प्रो किस लिए यूज़ होता है आप जानते ही हैं कि वीडियो एडिटिंग आपको करनी है, बहुत ढेर सारे म्यूज़िक टाइटल्स शॉर्ट्स जो आपने शूट किए हैं उसको अच्छे वे में अरेंज करना है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, इंपोर्ट, एडिट, एक्सपोर्ट। ओके, सो हम इंपोर्ट में प्रोजेक्ट का नाम देंगे ट्रेनिंग वीडियो वन। ओके, ट्रेनिंग वीडियो वन के बाद हमें प्रोजेक्ट का लोकेशन देना है, चूज़ लोकेशन कीजिए। ओके, लोकेशन में आपको एक फोल्डर बनाना है और वो फोल्डर का नाम देना है आपका टेस्ट वीडियो ट्रेनिंग वन। ओके, इस फोल्डर को आप सिलेक्ट करना। बस अभी फोल्डर सिलेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट लोकेशन, जितने भी आपके फुटेजेस हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑटो एडोब की जितनी भी फाइल्स हैं वो इसी के अंदर होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि लेआउट्स बने हुए हैं, वेरियस यूज़र्स, एडमिन, डाउनलोड्स। आप देखेंगे आपको इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं थंबनेल साइज़ को, और जो भी है ये फुटेज डाउनलोड्स के दिख रहे हैं। इस तरह से आप अपने कोई भी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके फुटेजेस जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपकी इंपोर्ट सेटिंग है, कॉपी मीडिया, अगर आपको कॉपी करना है कुछ फाइल्स चिप से तो कॉपी मीडिया का ऑप्शन दिया है, उसे हमने ऑफ रखा है क्योंकि हम मैन्युअली ड्रैग करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। न्यू बिन है, नया बिन अगर आपको चाहिए बना के रेडीमेड, तो यहाँ से बिन का नाम दे सकते हैं और इधर नाम आप फुटेज दे सकते हैं। सीक्वेंस का नाम देना है तो आप नया सीक्वेंस दे सकते हैं, तो क्रिएट सीक्वेंस आप, मतलब ये पहले ही बना के आप दे सकते हैं तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर टेस्ट वीडियो नाम दे देता हूँ मैं और मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो अब मेरा प्रोजेक्ट बनेगा क्रिएट। ओके, सो आप देख रहे हैं टेस्ट वीडियो है मेरा और यहाँ पर कुछ फुटेज हाँ डाउनलोड हुआ है टेस्ट वीडियो में, जो कि मैंने लिया नहीं था बट कहाँ से आया पता नहीं। सो ये फुटेज वीडियो है, बिन है, यहाँ पर ये फोल्डर बन गया है, इसे आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, और ये टेस्ट वीडियो है जो मैंने नाम दिया था सीक्वेंस का। ओके, सो रिज्यूम अगेन, यहाँ पर आप देखेंगे सोर्स है, इफेक्ट कंट्रोल, ऑडियो मिक्सर, मेटा डेटा और टेक्स्ट, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। उसके बाद आपका कंपोज़र है, ये कंपोज़र वीडियो है, यहाँ पर जो भी आप टाइमलाइन पर एडिट करेंगे वो आपको प्रीव्यू दिखेगा। टेस्ट वीडियो टाइमलाइन पे आ गया, ये फुटेज है, आप फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है या फाइल में जाके इंपोर्ट करना है, फाइल में जाके इंपोर्ट कीजिए और आपका फुटेज जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ पर से फुटेज ले लीजिए। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ फुटेज है यहाँ पर, तो मैं फुटेज यहाँ से उठा लेता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ, वो एरर फाइल भी। ओके, फाइल्स में एरर आ रहे हैं, लेट्स सी व्हाई दिस एरर इज कमिंग। ओके, कुछ जेनरिक एरर है तो हम फुटेज ट्राई करते हैं कहीं और से। सपोज ये वीडियो मैंने लिया है तो आप देखेंगे मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया इसको सोर्स पर दे दिया, सोर्स पे इनका प्रीव्यू दिख रहा है। और 28 आवर्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करता हूं। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रिएटिंग जनरेटिंग पीक फाइल फॉर रिएक्शन वीडियो, मतलब फाइल इंपोर्ट हुआ है फर्स्ट टाइम तो उसे रीड कर रहा है एडोब प्रीमियर। जैसे ही रीड कर लेगा
फुल ब्लू बार आप देख रहे हैं हो जाएगा, तो मतलब रीड हो गया। अब ये फाइल रीड हो गई है पूरी तरह से, आप हेडर के थ्रू इसे पूरा स्क्रब कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो, इस पे आ गया है। ओके, हाँ, तो अब सबसे पहले इसे राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस क्रॉप प्रिंट, आपको इसे इसलिए करना है बिकॉज जो सेटिंग्स हमारे फुटेज की है वही सेटिंग सीक्वेंस की ऑटोमेटिकली सीक्वेंस की सेटिंग बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं कस्टम 19.85 फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड हुआ है मेरा फुटेज। फ्रेम साइज़ है 1920x1080 16:9 पर। पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल है, फील्ड कोई भी नहीं है, 20 FPS पर टाइम कोड है। वर्किंग कलर स्पेस मेरा 709 है। सैम्पल रेट 44 है एंड ऑडियो सैम्पल पर मैंने डिस्प्ले फॉर्मेट रखा हुआ है। प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट AVI है। वी कैन चेंज दिस इफ यू वांट, वी कैन कीप द क्विक टाइम एंड प्रोग्रेस 422। वीडियो प्रीव्यूज है चाहिए तो आप प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, इसे छोटे प्रीव्यूज पर रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट साइज रखा है हमने। GPU कंपोजिट इन लीनियर, इसको ऐसे ही टिक मार्क कर दीजिए। मैक्सिमम बिट टाइम, मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी अभी मत रखिए। ओके, ओके, आप दबा दीजिए, आपकी सेटिंग हो गई। जो येलो बार है वो बोल रहा है कि इतना सेक्शन आपको रेंडर करना है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द वीडियो। जैसे ही प्ले करूँगा मेरे काउंटर्स चालू हो जाते हैं रन करने, 4 सेकेंड 2 सेकेंड और देख रहे हैं फ्रेम रेट आपका बढ़ते ही जा रहा है। ओके, इसके बाद हम प्लस दबाएंगे तो आप जूम कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, टाइमलाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। थंबनेल ऑडियो के लेयर को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये एक लेयर हो गया आपका वीडियो का, एक लेयर होगा ऑडियो का। इसी ऑडियो में आपका लेफ्ट और राइट चैनल है जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका वीडियो को इस तरह से आप रन कर सकते हैं। ओके, ये हेडर होता है, ये हेडर अपने अपने फ्रेम्स को क्रॉस करता है और साउंड आपको कैसे सुनाता है, एक एक फ्रेम के साउंड स्क्रब सुनाता है। ये फ्रेम वाइज हो रहा है। देख रहे हैं आप, एंड यू कैन यू नो चेक इट, माइनस करके आप रिड्यूस कर सकते हैं टाइमलाइन की लेंथ और प्लस करके आप जूम इन कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, प्लस एंड माइनस, माइनस इज जूम आउट, प्लस इज जूम इन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी इसके बारे में देखना है तो यू कैन बुक माई डेमो सेशन फॉर वीडियो एडिटिंग। Thank you.